ये देखिए गाइस, यम्मी टेस्टी काले चनों की चाट। देखिए काले चने जनरली बच्चों को पसंद नहीं आते, मगर इस तरह से बना करके खिलाएंगे ना तो बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस आज हम बनाने जा रहे हैं काले चनों की चाट, जो कि हमने हाफ बाउल रखा था भिगो करके ओवरनाइट के लिए। तो ये फुल बाउल हो गया है हमारा। तो इसको देखिए, हमने जिस तरह से छोले के चने बॉयल कर रखे थे वैसे ही बॉयल कर लेंगे। और ये देखिए कुछ सामान हमने कट करके रखा है, खीरा, टमाटर, प्याज, धनिया और हरी मिर्च। तो चलिए बॉयल हो चुका है, विशल निकल चुकी है, तो अब देख लेते हैं इसको। ये देखिए गाइस, हमारे अच्छे से बॉयल्ड हो चुके हैं, आप लोग देख सकते होंगे। तो इनको निकाल लिया है पानी से बाहर। अब इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर, खीरा और ऐड करेंगे हम इसमें प्याज, हरी मिर्च और धनिया पत्ता अच्छे से, और नमक ऐड करेंगे इसमें। और भी चीज़ें हैं जो ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जैसे कि चाट मसाला। गाइस ये बहुत टेस्टी लगता है। ये है सौंफ पाउडर, भुना जीरा पाउडर, ये सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे, नमक टेस्ट के अनुसार। और इसमें हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हम पहले ऐड करेंगे इसमें अपना चिली सॉस, खट्टे खटास के लिए और मिर्च के लिए 2 चम्मच। अब इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके सर्व करेंगे। ये देखिए गाइस, यम्मी टेस्टी बनेगा। और बस प्रोसेस वही करना है जो हमने छोले चने की चाट बनाई थी उसमें जो काम किए थे, बस यानी एक विसल आने देंगे और उसके बाद 5 मिनट के लिए धीमी फ्लेम पर रख देंगे और बस तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अब इसको सर्व कर सकते हैं। गाइस हमेशा की तरह फिर कहेंगे यही, इसमें आप खीरा, ककड़ी, कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, मूली वगैरह। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए अपना बाउल में सर्व कर रहे हैं, देखिए कितना यम्मी और कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ही। बच्चे ऐसे जो चने आप सर्व करके देंगे ना तो बच्चे ऐसे ही खा लेंगे। आप चाहें तो फ्राई भी कर सकते हैं, जिसमें कि हींग वगैरह ऐड कर सकते हैं। हमने बिना कुकिंग के बताया है, इसीलिए हमने कुकिंग सिर्फ थोड़ी सी की है। गर्मी बहुत है ना, तो गर्मी में कुकिंग करना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।